तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। जी गाइस, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, तो उसमें मैंने कहा था कि आप स्टोरेज किसे लेना चाहिए या फिर उसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई आप इसके सिर्फ साइड इफेक्ट बता रहे हो, हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। हाँ, तो बहुत लोगों का मतलब यही रहा है कि मैंने जो वीडियो बनाया उसमें उनको लगा होगा कि मैंने कुछ जो इन्ग्रीडियंस मतलब जो भी आप मेडिकल से लेते हो आपके बॉडी के अंदर डोजेस डालते हो, क्या मैंने उसके बारे में कहा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बॉडी है ना गाइस स्मार्ट है, आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जो वो प्रोड्यूस करती है। पर अगर आप बाहर से अगर इंजेक्शन या फिर दवाई जैसे गोलियां से अगर टेस्टोस्टेरोन अगर लोगे तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस करना बंद कर देंगी। तो ये स्टेरॉइड जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी जो नेचुरली ना वो धीरे धीरे करके बंद कर देती है। बाहर से उसे फ्री में मिल रहा है मतलब बिना कि कुछ किए, तो वो बॉडी क्यों वर्क करेंगी, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेंगी। अगर आपको भी अगर कोई पैसा अगर दे रहा है मंथली, अगर आपको पैसा दे रहा है तो आप क्यों फालतू में काम करोगे। तो आप बिना कुछ किए ही आपको पैसा मिलेगा, तो उसी तरह से आपकी बॉडी है। अगर आपको पैसा अगर नहीं मिलेगा तो आप खुद काम करोगे पैसों के लिए, तो उसी तरह से आपकी बॉडी काम करती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि ये लेना चाहिए। तो गाइस स्टेरॉइड जो है ना आपको केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में भी है, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, 1,000-3,000 रुपये के भी आसपास मिल जाता है। पर उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं जिनको मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा डोज लेना चाहिए, कितना डोजेज लेना चाहिए, कौन सी जो ये है कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से टैबलेट लेने चाहिए, ये मुझे भी नहीं, डोसेज कितना होने चाहिए ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जिनको नॉलेज है इसके बारे में वो ही सही तरीके से कर सकता है। अगर मैं खुद से जाऊँ, मैं खुद से ही ले लूँ तो मुझे आगे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ दिन के लिए तो मैं बढ़िया दिखूंगा, मेरी बॉडी अच्छी दिखेंगी 1-2 महीने के लिए, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे, या फिर जैसे ही मैं लेना स्टार्ट कर दूँ तभी से 1-2 दिन से ही साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी गोल नहीं है, सिर्फ आप इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटोज़ वगैरह निकालने के लिए ये सब करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए स्टोरेज वगैरह साइकिल वगैरह लेना चाहते हो, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो आप। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आप किसी स्टेज पर जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, वो भी किसी गाइडेंस के अंडर, किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाइए उसके अंडर कीजिए, आप खुद से ही मत कीजिए, इससे बहुत ही आपको साइड इफेक्ट होंगे। बहुत लोगों को लगता था कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या होंगे साइड इफेक्ट होंगे क्या होंगे, और उनको लगा कि लास्ट में मैं कुछ बताऊँगा कि टैबलेट्स के नाम कि ये लीजिए। तो गाइस मैं इस टैबलेट के नाम नहीं बता सकता, और आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे पर आगे आपको उसको साइड इफेक्ट होगा। ये गाइस 101% है। अगर आप किसी भी ये बताएगा, किसी भी आप YouTube का वीडियो देख लीजिए और वो बताएंगे कि आप ये लीजिए पर आप यूज़ करोगे ना तो आपको 101% साइड इफेक्ट होगा। वो कितना भी बताएंगे आपको अच्छी तरीके से, इतना ही डोज लेना है, उतना ही डोज लेना है, पर मेरी बॉडी अलग टाइप से रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी अलग टाइप से रिएक्ट करती है, किसी और की बॉडी किसी और टाइप से रिएक्ट करेंगी। पर कौन सी दवाई किस बॉडी पर किस तरह से असर करेंगी वो आपको नहीं पता। सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, अगर आपकी बॉडी में कुछ कमी है तो वो सबसे पहले पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद जो है ना वो साइकिल चलती है। अगर आप डायरेक्टली अगर लोगे तो 101% मैं लिख के देता हूँ आपको 101% साइड इफेक्ट होगा। ये इस तरह से नहीं है कि मार्केट में आपको कई सारे फेक भी मिलेंगे, आप किसी भी ट्रेनर के पास चले गए, आपको किसी ने बोला कि ये जो साइकिल है ये हो जाएंगे 30,000-25,000-40,000 के आसपास, और आपको किसी और ने बोला कि मैं ये 10,000 में कर दूंगा, मतलब कितना डिफरेंस है। तो वो क्या पता है कि जो 10,000 वाला बंदा है वो जो इंग्रीडियंस वो यूज़ करेंगे, जो भी आपके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे वो क्या अच्छे क्वालिटी का डालेंगे या फिर फेक वाला भी डालेंगे। क्योंकि फेक वाले भी हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे हैं जो कि आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी में इसी में चली जाएंगे और आपके घर वाले पता ही है आपको क्या बोलेंगे। तो गाइस इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, नेचुरल भी बॉडी बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बस आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप इतना वेट नहीं करते हो, आपके पास सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा डाइट कीजिए, वर्कआउट कीजिए एंड रेस्ट कीजिए, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हाँ ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए और नेचुरली तरीके से आप अच्छी बॉडी बना सकते हो, मैं भी अभी नेचुरली हूँ, अगर आगे अगर चांस रहा तो हम भी
मैंने अगर यूज़ किया तो मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या मैंने यूज़ किया है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए, बजरंगबली। जय हिंद।